नमस्ते सलाम से श्री अकाल के सकाई गेम जो दिस इज मदलका सिंह एंड यू आर वाचिंग योर वुमनिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर वुमनिया। और आज का फ्रेंड्स जो हमारा वीडियो है ना, इसमें हम रिव्यू करने वाले हैं मेबलिन के ये जो फिट मी प्राइमर्स हैं, इनको इनमें दो वेरिएंट आता है फ्रेंड्स। एक आता है ड्यूई प्लस स्मूथ जो कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, और एक आता है मैट प्लस पोरलेस जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। और मैंने दोनों लिया है और ये दोनों मैं अपने चेहरे पे ट्राई करके आपको दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने कोई मेकअप नहीं पहना है। तो आज के वीडियो में हम इसको ट्राई करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी विदाउट मेकअप ये कैसा लगता है ऑन इट्स ओन ऑन योर स्किन, और उसके अलावा अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो उसके साथ ही कैसा लगेगा कौन से स्किन टाइप के लिए ये ऐप। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। अच्छा फ्रेंड्स, तो मेबलिन ने जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो प्राइमर्स अभी लॉन्च किए हैं रिसेंटली। एक है इनका ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर और एक है इनका मैट प्लस पोरलेस प्राइमर। फ्रेंड्स ये दोनों इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं। अगर मैं ये दोनों की क्वांटिटी की बात करूँ फ्रेंड्स, आपको 30 ml प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके अलावा ये 499 rupees का रिटेल करता है, तो मतलब 500 rupees का रिटेल करता है। इसका जो अमेजोन परचेज लिंक है ना, वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालूंगी इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग। शेल्फ लाइफ है वो 4 साल का है। अब फ्रेंड्स ये दोनों अलग अलग स्किन टाइप को केटर करते हैं। तो ये जो फिट मी ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, और ये कहता है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। इसमें विटामिन ई इन्फ्यूज है और एक लाइटवेट क्रीमी टेक्सचर देगा, और आपके जो मेकअप है ना उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड होने में मदद करेगा। और ये जो फिट मी का पोरलेस और मैट प्राइमर है ये कहता है कि अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो शाइन आ जाता है आपकी स्किन में, उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसमें क्ले है तो ये इंस्टेंटली मैटिफाई कर देगा आपकी स्किन को, और लाइट टेक्सचर है इसका, और ये भी आपके मेकअप को अच्छी तरीके से ब्लेंड होने में मदद करेगा। अब फ्रेंड्स प्राइमर क्यों ज़रूरी होता है? तो फ्रेंड्स एक बार आपने स्किन केयर कर लिया आपका, उसके बाद मेकअप का फर्स्ट स्टेप ही प्राइमर होना चाहिए, क्योंकि प्राइमर क्या करता है आपको एक स्मूथ बेस दे देता है फ्रेंड्स। तो जब भी आप प्राइमर के बाद आपका फाउंडेशन लगाते हो तो वो स्मूथली अप्लाई होता है, आपके जो स्किन पे टेक्सचर होता है ना उसको कैमोफ्लेज कर देता है प्राइमर। उसके अलावा प्राइमर आपके स्किन और जो आपका फाउंडेशन है उसके बीच में एक बैरियर का भी काम करता है, आपके फाउंडेशन को ज़्यादा टाइम तक टिकने में मदद करता है प्राइमर। और उसके अलावा प्राइमर लगाने से फ्रेंड्स कभी कभी किसी की स्किन ग्रे हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है मेकअप लगाने के बाद, फाउंडेशन लगाने के बाद, वो भी होने से रोकता है। तो बहुत सारे फायदे हैं प्राइमर्स लगाने के। ये प्राइमर दे आर क्लेमिंग के इसको आप फाउंडेशन के नीचे भी लगा सकते हैं और ऑन इट्स ओन भी आपकी स्किन पर लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इसको ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स जो ये साइड है ना मेरे फेस का, इस पर मैं ये मैट प्लस पोरलेस प्राइमर लगाऊंगी, और ये साइड पे मैं ये जो ड्यूई प्लस स्मूथ वाला प्राइमर है ना ये लगाऊंगी, ताकि आपको दिख जाए कि कौन सा प्राइमर क्या टाइप ऑफ इफेक्ट देगा। अगर फ्रेंड्स मैं अपने स्किन टाइप की बात करूं तो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्राइमर विच इज मैटिफाइंग प्राइमर जो कि आपका पोरलेस प्राइमर है। अच्छा फ्रेंड्स ये दोनों का जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है ना, ये जो मैटिफाइंग प्राइमर है इसमें ये ग्रीन कलर का लाइनिंग है, और जो फ्रेंड्स ये जूई वाला प्राइमर है ना इसमें ये पर्पल कलर की लाइन है। तो चलिए पहले ये मैटिफाइंग वाला प्राइमर लेते हैं। तो मैंने कुछ इतना प्राइमर लिया है एंड अच्छा फ्रेंड्स प्राइमर को ना मॉइस्चराइजर की तरह पूरी तरीके से स्किन के अंदर आपको मसाज नहीं करना होता, आपको बस इसका एक लेयर लगाना है आपके स्किन के ऊपर। सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ दिस मैट प्राइमर लुक्स। तो अगर आप मेरे चेहरे का ये साइड देखेंगे तो आपको जरा सा डिफरेंस लगेगा, एक हल्का सा ब्राइटनेस दे दिया है इसमें मेरे चेहरे को। तो फ्रेंड्स दिस इज ऐप फॉर वेयरिंग इट ऑन इट्स ओन ऑल्सो। तो अगर आपको मेकअप करने का मन नहीं है लेकिन यू जस्ट वॉन्ट अ ब्राइटनेस ऑन योर स्किन, आपको आपके पोर्स को कैमोफ्लेज करना है और आपको आपके स्किन को मैटिफाई करना है, तो भी आप इसको सिर्फ लगा सकते हैं विदाउट अ फाउंडेशन। अब चलिए ट्राई करते हैं द सेकेंड वन विच इज देयर ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर। ये भी फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का वाइट कलर का क्रीम है। तो फ्रेंड्स ये जो प्राइमर है ड्यूई प्लस स्मूथ हल्का सा टैकी है अभी राइट नाउ ऑन माय स्किन। अगर आप देखेंगे तो एक शाइन दे दे रहा है आपके स्किन को, एक ग्लो दे दे रहा है आपके स्किन को। तो फ्रेंड्स अगर मैं राइट नाउ ऑन इट्स ओन बात करूं, तो अगर मुझे कहीं बाहर जाना है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू वेयर अ
primer only. So I will go with matte plus poreless and I have pores, so I want something which is mattifying. So चलिए friends, on its own तो देख लिया आपने ये दोनों जो primer है मेरे skin पे कैसे दिख रहे हैं. अब मैं आपको foundation लगा के दिखाती हूँ कि foundation के साथ ही कैसा लगता है और इसके ऊपर foundation का application कैसा है. तो मैं friends Maybelline का Fit Me foundation use कर रही हूँ. ये जो shade है वो है 220 और ये भी with clay है. तो फ्रेंड्स ये फाउंडेशन अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है इस प्राइमर के ऊपर एंड दिस इज हाउ द फाउंडेशन इज लुकिंग विद दिस प्राइमर. अब चलिए ये जो ड्यूवी प्लस स्मूथ वाला साइड है इस पे लगाते हैं. तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का इफेक्ट आया है. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने जो फाउंडेशन लगाया है वो मैट प्लस पोरलेस जो प्राइमर है उस पर लगाया है. तो ये काफ़ी मैटिफाइंग इफेक्ट दिया. जो फ्रेंड्स मैंने फाउंडेशन यूज़ किया दैट ऑल्सो हैज़ क्ले एंड इट इज़ मैटिफाइंग. तो ये कुछ ज़्यादा ही मैट हो गया दिस साइड ऑफ माई फेस. एंड अगर आप ये दिस साइड ऑफ माई फेस देखेंगे तो इट हैज़ अ नाइस ग्लो. तो फाउंडेशन के बाद आई एम लाइकिंग दिस साइड ऑफ माई फेस जहाँ कि मैंने ड्यूवी प्लस स्मूद प्राइमर लगाया था. इट इज़ गिविंग अ नाइस नेचुरल काइंड ऑफ अ ग्लो टू माई स्किन और ये कुछ ज़्यादा ही मैट हो गया है. तो आई थिंक दिस इज़ वॉट आई प्रिफर विथ फाउंडेशन. एंड द मैट प्लस पोरलेस वाला जो प्राइमर है ना आई प्रिफर विदाउट अ फाउंडेशन. ऑन इट्स ओन अगर लगाना है ना तो मुझे मैट प्लस पोरलेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है. लेकिन अगर आपको उसको फाउंडेशन के नीचे लगाना है तो आई एम लाइकिंग द यूवी प्लस स्मूद प्राइमर. अब फ्रेंड्स आपको कौन सा प्राइमर लेना चाहिए बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करेगा. सबसे पहली बात आपका स्किन टाइप. अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो ऑब्वियसली यू विल गो विद मैट प्लस पोरलेस. अगर आपके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है तो भी आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है. और आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है और आपको एक ड्यूई ग्लोई मेकअप चाहिए देन यू कैन गो विद द ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑल्सो. तो अगर बहुत हॉट है ह्यूमिड है अगर बहुत पसीने आ रहे हैं देन यू वुड रिक्वायर समथिंग विच इज़ मैटिफाइंग. और अगर सर्दियों का टाइम है देन अ ड्यूई फिनिश वुड बी ग्रेट. फ्रेंड्स दिस वॉज इट फॉर टुडे. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस कमेंट क्वेरीज होंगे तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा. मैं उनका आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगी. आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ. बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.